Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello, Nishant. Welcome to eTimes TV. How are you? I am very good. कैसे लग रहा हूँ मैं? एकदम झकास, मस्त. कुछ झकास वकास नहीं, नींद नहीं मिल रही. इधर थोड़ा बाहर निकलने के बाद थोड़ा अजीब हो गया. सुबह का गाना नहीं बज रहा है. हाँ. So it's just weird. अभी हाथ में फोन है. It's weird. It's just weird. अजीब लग रहा है. यूज्ड टू हो रहा है धीरे धीरे लाइफ. हाँ, तो थोड़ा फोमो होगा. ऑफ कोर्स 6 महीना रहा हूँ मैं बिग बॉस के घर पे. सो थोड़ा सा वो हो रहा है. लाइक मैं अभी कल मतलब आज नहीं कल उठा मैं ऐसे और मैं ऐसे माइक चेक कर रहा हूँ मेरा. लाइक आई एम लाइक ये क्या है, माइक किधर गया मेरा ऐसे. बट वो थोड़ा होगा आई थिंक. जब मैं अंदर भी गया था तो मैं मेरा फोन ढूंढ रहा था. सो आई थिंक ये थोड़े दिन होगा फोमो एंड आई थिंक आई विल बी फाइन. व्हाट इज द वन थिंग दैट यू आर मिसिंग द मोस्ट? I think I love Big Boss. Like I'm missing Big Boss house in general because I think that's the most safest place. मतलब 6 महीना मैंने अपने आप को बहुत सेफ माना है उस घर में क्योंकि इतनी सारी चीजें जो अभी धीरे धीरे पता चल रही है मुझे बाहर हो रही थी. Right. I think Big Boss का घर सबसे सेफ और सबसे प्रोटेक्ट मतलब होता ना तुमको बचा के रख के एक जगह है. Hmm. मतलब ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया खत्म हो गई और सिर्फ इतने ही लोग जिंदा है. और होता है ना हॉलीवुड मूवीज में कैसे होता है ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है बाहर और हमको सिर्फ सिक्योर इतने जगह में इतने ही लोग बचे उनके साथ तुमको रहना है. सो आई फेल्ट वेरी सेफ. आई थिंक आई एम मिसिंग दैट टू बी इन द हाउस. डेफिनेटली नॉट द पीपल. आई डोंट वांट टू सी एनीवन्स फेस बिकॉज आई एम डन विद देम. मतलब मिलूंगा मैं उनसे बट थोड़ी टाइम के बाद मिलूंगा. अभी फिलहाल अभी कल शमिता का बर्थडे है तो डेफिनेटली आई एम गोना मीट हर. बट अदरवाइज उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम के लिए किसकी शक्लें नहीं देखनी है. सब इरिटेटिंग है. And as in, वो मेरे से भी उतने ही irritated हो गए. So I, it's the feeling is mutual. So I know this. So break लेना है मुझे सबकी शक्लों से जो घर में थे. बाकी तो yeah. And किसको सबसे पहला call किया आपने घर से बाहर आने के बाद? Mom, मम्मी को किया. मेरी मम्मी full मैंने आके देखा बाबा मेरी मम्मी अलग heroine है. मेरी मम्मी फुल मीडिया इंटरव्यू दे रही थी. मैंने बोला बब्बा इन लोग तो अलग ही स्टार वार बन गए. बहुत स्वीट है आपके पेरेंट्स. बहुत स्वीट है. बहुत ही पॉजिटिव. बट दे आर लाइक दैट एंड आई थिंक वो जैसे वैसा मैं भी हूँ. हाँ सिर्फ थोड़ा हूँ मैं क्योंकि मैं अलग हूँ उनसे. बट आई थिंक अब मैं जैसे पेरेंट्स है वैसा मैं हूँ. तो मैंने उनको ही कॉल किया था. उसके बाद तो सब आ ही गए थे मतलब मुझे मिलने के लिए मेरे जितने भी फ्रेंड्स है. राइट. एंड यू नो निशांत आपका जो कहीं ना कहीं डिसीजन था वो काफी लोगों ने उसको डिस्कस किया कि राइट था रॉन्ग था. यू नो काफी लोगों को लगा कि हाँ बहुत प्रैक्टिकल था. व्हाट वाज योर गोइंग इनटू योर माइंड जब वो ऑफर यू नो आप लोगों को प्रेजेंट किया गया? व्हाट वर यू थिंकिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम? See the whole point for me, no? मतलब me being a choreographer working on the show Big Boss, इसके पहले का पिछला फिनाले मैंने पूरा किया है. So मैंने इतना expect Big Boss से ना generally expectation नहीं रखी थी because I was nobody. अभी OTT में to be a first runner up, to be मतलब काफी सारी चीजें थी. मतलब मेरे to do list में होते हैं ना कि Big Boss करना है. आई थिंक भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है. आई थिंक बिग बॉस ने थोड़ा ज्यादा ही छप्पर फाड़ा है मेरे लिए. आई थिंक 2 seasons बैक टू बैक रनर अप शटिंग द हाउस लाइट्स बंद करना ये सब मैंने देखा है. मेरे लिए बिग बॉस पनपनापन 15 में इतने दिग्गजों के सामने मुझे टॉप 5 में पहुंचना ही मेरे लिए काफी बड़ा था. उसके बाद ना मैंने जितने भी घर में चीजें की आई थिंक जो मेरे दिल से निकली है वो चीजें की है मैंने. और मेरा हमेशा से था कि मुझे बिग बॉस के घर से निष्कासित कभी होना नहीं है. मतलब मैं अगर मैं गया हूँ बिग बॉस में मेरे टर्म्स पे तो मैं निकलूंगा भी मेरे टर्म्स पे. तो वो चीज मेरे दिमाग में पहली थी. रही बात मेरे लिए विक्ट्री और मेरे लिए ये सारी चीजें हैं जो बाहर आके मतलब जितने भी बिग बॉसेस देखे आई थिंक आई वाज ऑलवेज इन ऑफ मे बी दैट होल थिंग ऑफ कि लोगों ने शहनाज को कितना प्यार किया. आई थिंक मुझे भी वही चाहिए था क्योंकि ट्रॉफी वोफीज देखो डांसिंग शोज में आई हैव वन. तो वहां पे मेरी जीत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट इज माई करियर एंड ऑल ऑफ दैट. ये था शो पर्सनालिटी बेस्ड शो है. मुझे अपने आप को जानने का शो था. अपने आप की एक मेंटल साइड लोगों को दिखाने का शो था. सो फॉर मी विनिंग इतना था नहीं. और मेरे लिए विनिंग यही है कि मैं घर में गया हूँ अपने टर्म्स पे निकला हूँ अपने टर्म्स पे. बिग बॉस ने कभी वो लाइन नहीं कहा कि निशांत आपका सफर यही खत्म होता है. ये मेरे लिए कहा नहीं है.
सो आई थिंक दैट्स द विक्ट्री फॉर मी. और वो सारी चीजें थी और तीन पांच तो पूरे सीजन किया ही है मैंने. बिल्कुल. तो क्यों ना आखिरी में विनर के अमाउंट में से 10 लाख रुपए निकल के पिछले एक होता है इतनी अच्छी एग्जिट किसको नहीं चाहिए कि तुम टॉप टू टॉप थ्री तक पहुंचो और फिर अनफॉर्चुनेटली आप जीत नहीं पाए. उसमें ना पैसे मिलेंगे आपको ना आपको वो मिलेगा. मतलब लाइक ऑफकोर्स आई वॉन्टेड प्रतीक टू विन बट जब होता है वहां पे पहली बार मैंने देखा कि जब सलमान सर ने तेजस और प्रतीक का हाथ ऐसे ऐसे सब किया और तेजा जीत गए उसके बाद प्रतीक वॉज देयर स्टैंडिंग. बट आई बिकॉज मैं उसकी जर्नी मैंने देखी है आई वॉन्टेड हिम टू विन बट ही वॉज जस्ट देयर स्टैंडिंग. बट मैं जिस तरीके से मैंने एग्जिट ली आई थिंक 7 सीजन के विनर्स थे या 6 सीजन के विनर्स थे वो लोग मुझे अगर लेने आए हैं और वो भी मैं 10 लाख लेके निकलता हूँ शो से तो आई थिंक इससे बड़ा डिसीजन मतलब इससे माइंड ब्लोइंग डिसीजन नहीं हो पाता. और उसके बाद जब सलमान सर ने कहा भी स्टेज पे दैट निशांत इट वाज अ वाइज डिसीजन एंड इट वाज बैंग ऑन करेक्ट डिसीजन सो आई थिंक मेरा 3-5 उधर भी चल गया जैसे मैंने पूरे शो में किया है. सो आई थिंक आई वाज वेरी 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 हैप्पी. इनफैक्ट जैसे आपने बोला कि क्यों ना विनिंग अमाउंट में से पैसा ले तो वो चुभा जरूर था क्योंकि करण और तेजा तुरंत डिस्कस कर रहे थे कि ये तो नंबर वन था मतलब ऑडियंस के पॉइंट्स में वो क्यों निकला. तो वो आपने देखा एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन. मैंने ऑनेस्टली नहीं देखा बट ये जो आपने कहा है मुझे ये भी कहा कि मेरे निकलने के बाद आई थिंक दे वर डिस्कसिंग इट. इनफैक्ट तेजस्वी ने ये कहा कि अरे इसने तो 10 लाख ले लिए विनिंग अमाउंट्स एंड ऑल ऑफ दैट ऐसा कुछ तो उसने कहा ये मुझे किसी ने कहा. आई वाज लाइक कि हाँ बट दैट्स द गेम राइट. तुम बिग बॉस में आई थिंक वो लोग को लगता था वो लोग मतलब कुछ दिमाग चला रहे या कुछ ये कर रहे हैं बट आई डोंट थिंक सो. उन्होंने भी उतना ही नेचुरल गेम खेला है और ऑफकोर्स जो भी Everyone at that top 5 wanted to win, right? Yeah. तो अगर मैं वो सूटकेस नहीं लेके कोई दूसरा भी लेके जाता सूटकेस तो मेरा भी यही रिएक्शन आता कि भाई ये तो लेके गया ही लेके गई ये तो विनिंग अमाउंट में से कट गया ऑफ कोर्स ना. बट द होल झामा एंड होल 3-5 इज दिस नो कि विनर के इसमें से 10 लाख भाई मैंने ले लिए जीत वीत होगी मेरी जीत होगी क्योंकि जिस हिसाब से ऑडियंसेस मुझे पसंद कर रही है आई थिंक आई लव दैट. आई थिंक मुझे वही चाहिए था मतलब कितने सारे फैंस हैं उन्होंने मेरे शहनाज की कितने सारी चीजें बनाई है थिंकिंग कि मतलब शहनाज को जितना प्यार मिला उतना ऑफ कोर्स नॉट दैट मच बट जितना भी प्यार मुझे मिल रहा है आई थिंक इट्स दैट लाइक होता है कोई कोई लोग ट्रॉफी जीतते कोई कोई दिल जीतते हैं. आई थिंक आई एम द दिल वाला पर्सन मुझे तो वही चाहिए क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है. ट्रॉफी तो मैंने देखा मतलब ये मैं गॉसिप दे रहा हूँ आपको क्योंकि आई थिंक मैंने वो एक्ट देखा नहीं है लेकिन जितने भी एक्स कंटेस्टेंट्स थे वो अपनी लोग ट्रॉफीज लेके आए थे तो उनकी ट्रॉफीज को सब रिपेयर करना पड़ा क्योंकि कितने टाइम से उन्होंने अपने घर पे रखी थी ट्रॉफी. सो आई थिंक ऐसी ट्रॉफी क्या ही है जो जिसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी हो ना. ये जो ट्रॉफी मुझे मिली है कि ऑडियंस ने मुझे इतना पागल जैसा प्यार दिया है एंड आई माई इंस्टाग्राम इज फ्लडेड सो मतलब मेरे लिए वही बड़ी जीत है. मतलब ऑफकोर्स ट्रॉफी इज अ गुड थिंग ऑफकोर्स वो 40 लाख इज ऑल्सो गुड थिंग बट इट्स ओके. मतलब मेरे लिए डांसिंग शो जीतना इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ बिग बॉस बट जो मैं जीता हूँ इस शो पे एंड वो अगेन विदाउट गेटिंग एलिमिनेटेड आउट ऑफ द शो और मेरे जितने भी टू डू लिस्ट में रनर अप रहा हूँ इट्स अ विन फॉर मी. सो आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड. यू नो जो आप विनिंग की बात कर रहे हो कहीं ना कहीं निशांत यू नो इस सीजन में ये भी हमें देखने के लिए मिला कि जब सलमान सर वो पूरा यू नो प्रैंक कर रहे थे कि इसको प्रतीक को ले जाके बोल दिया था कि आप बैठ जाओ और फिर उसको लेकर उनको लेकर आए फिर करण को बिठाया उनको लेकर आए वो पूरा जो चल रहा था जब विनर अनाउंस हुआ तभी भी हमें काफी अलग सा माहौल दिखा वहां पर एज एन ऑडियंस. और अब जब शो खत्म भी हो गया है खत्म होने के बाद से काफी सारी चीजें ट्रेंड हो रही हैं काफी लोगों को लग रहा है कि डिसीजन अनफेयर था. आप प्रतीक के बहुत अच्छे दोस्त रहे हो काफी लोगों का मानना था अधिकतर लोगों का कि प्रतीक शुड हैव बीन द विनर. व्हाट इज योर टेक जो ये ट्रेंड्स हो रहे हैं चैनल की बैशिंग हो रही है. सी द पॉइंट इज ना पहली बात तो बिग बॉस में फेयर अनफेयर की डिग्री नहीं है ठीक है फर्स्टली. सेकंड चीज इट्स अ शो इट्स मेरे लिए तो वही चीज कि तुम एक घर में 13 लोगों को डालते हो बट विनर एक होता है बल्कि वो 13 के 13 लोग अपना पूरा योगदान देते किसी भी तरीके से. सो फॉर मी दैट इज ओनली अनफेयर कि इवेंचुअली विनर एक होता है. सो दैट इज ओनली रॉन्ग फॉर मी बट इट्स अबाउट लिविंग योर लाइफ इन दैट हाउस इट्स अबाउट हाउ यू आर. हाँ ऐसा मुझे लगता है कि वो है. बट रही बात डिसीजन की देखो प्रतीक का क्या था
मेरे हिसाब से मैं चाहता था पहले से, लाइक लोगों ने मुझे कहा है कि तू हमेशा प्रतीक के लिए खेला है, और हाँ मुझे वो मेरा छोटा भाई जैसे लगता है, मेरा जो नेचुरली उसके लिए आता है वो मैंने किया है। मैं चाहता था प्रतीक जीते शो, जितनी जितनी चाहत उसकी है उतनी शायद से मेरी नहीं रही है, और जो भी है, बट आई वॉन्टेड हिम टू विन द शो, बट ऑडियंसिस ही है जिन्होंने, अगर तेजा जीती है तो उसने भी उतना योगदान दिया है उस शो पे। वो कैसा है कैसा नहीं है वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अंदर था, तो शी विनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि उतने उसने कुछ तो सही किया होगा या कुछ तो गलत किया होगा, कुछ तो फेयर या अनफेयर उसने किया होगा जो हुआ है, एंड ऑडियंसिस ने उसको विनर चूज किया, क्योंकि जितना मैंने बिहाइंड द कैमरा करके काम करके, जितना शो पे आके काम किया है, जितनी मेरी समझ है बिग बॉस की, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो वोटिंग का कुछ कोई झोल कर सकता है। तुम्हारी जो वोटिंग आती है वो आती है, एंड यू कांट मेस अराउंड विद इट। क्योंकि मैंने भी जनरली, मैंने इस सीजन में तो ऑफकोर्स आई वॉज अ कंटेस्टेंट, बट आई हैव सीन इट, क्योंकि मैं भी सुपर डांसर जैसा शो जी, I know how it works and you can't mess around with voting. अगर तेजा को वोटिंग आई है तो तेजा को वोटिंग आई है, you know. So अगर audiences ने, देखो ऑडियंस तुम्हें शो से निकालती है या ऑडियंस तुम्हें विनर बनाती है, तो अगर विनर बनी है वो तो ऑडियंस ने उनको विनर बनाया है, एंड आई थिंक देखो हर किसी की चॉइस होती है, मैं चाहता था प्रतीक जीते, बट अगर तेजा भी जीती है तो वो भी मेरे लिए खुशी है, क्योंकि मतलब बहुत लोगों का एक पर्सपेक्टिव और फंडा है उसकी तरफ, दैट शी इज दिस एंड शी इज दैट, बट मुझे तेजा डे वन से पसंद है, वो जैसी भी है मुझे वो पसंद है, आई एम जेन्युइनली फॉन्ड ऑफ तेजा। सो वो अगर करण भी जीतता, देखो ओवरऑल मेरे जो टॉप फाइव थे, जब सलमान सर ने पूछा था तुम्हारे टॉप फाइव कौन है, मेरे लिए हमेशा थे शमिता, प्रतीक, करण, तेजा एंड मी। उसके अलावा मैंने कभी किसी को मतलब फुटेज दिया ही नहीं है। सो फॉर मी वो टॉप फाइव इज विनर, you know, coming at that position is winner. So I don't think so, channel और वो सब इन सारी चीजों में, ये तो देखो ऑडियंस नहीं विनर बना, अभी ऑडियंस ही बोल रहे हैं अनफेयर है, तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि अनफेयर फेयर की डिग्री बिग बॉस से रिलेटेड होती नहीं है, यहाँ पे कुछ भी करो कुछ भी होता है इस शो में, एंड वो इट्स द आप कैसे लेते हो उस चीज पे, इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो आई थिंक आई एम हैप्पी दैट तेजा वन, आई एम हैप्पी, मैं ज्यादा हैप्पी होता अगर प्रतीक जीतता, मैं उससे भी ज्यादा हैप्पी होता अगर करण जीतता, या मतलब मुझे तो खैर मुझे जो करना था मैंने किया, शमिता आई वांटेड टू विन, हर टू विन, तो या मतलब क्या ही बोलूं मैं। इनफैक्ट प्रतीक का भी ऐसे ही आंसर रहा, दिस शोज योर फ्रेंडशिप विथ हिम, आप दोनों की सोच, बिकॉज ही ऑल्सो सेड कि आई कांट टेक अवे हर विन, यू नो इफ शी हैज विन, वो उनके डेस्टिनी में था, मैं स्पॉइल स्पोर्ट नहीं, एग्जैक्टली सोर लूजर नहीं बिहेव करूंगा, इफ शी हैज वन शी हैज वन, या या। एंड ऑल्सो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, ट्रॉफी एक होती है तुम आके अपने घर पे रखोगे, वो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए प्रतीक के लिए, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि वी आर नॉट फेसेस, वी वांट द फेसेस, हम रियलिटी शो से ही आए हैं, हमारे लिए कमिंग टू टॉप फाइव इज अ विक्ट्री, रीचिंग टिल हियर इज अ विक्ट्री, और या हम लोग अपसेट थे कि हमारी जर्नी वीडियो नहीं बनी, मतलब वो चाहिए था कि वो पायरो वायरो फूटे, और वो मुझे चाहिए था, वो प्रतीक को भी चाहिए था, सो उस चीज के लिए डेफिनेटली हम लोग डिसअपॉइंटेड है, बट रही बात विक्ट्री की, आई थिंक वी बोथ हैव लिव्ड दैट लाइफ इन बिग बॉस, और प्रतीक और ये मेरा ये बहुत सोच कभी कभी सेम हो जाती है, क्योंकि हम कभी वो वाला एटीट्यूड है ही नहीं कि हम नहीं जीते तो कोई नहीं जीते, ऐसा है नहीं, मतलब कोई तो जीतेगा, तो अपने अपने कर्म, अपना कर्मा, अपनी चीजें, कुछ तो उस बंदा या बंदी ने सही किया होगा, दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर पर्सन टेक्स द केक, एंड आई थिंक तेजा हैज गिवन अ लॉट टू द शो, क्योंकि मुझे नहीं पता एपिसोड्स में कितना दिखा है, बट तेजा का जितना हुआ है, उसके रिश्ते बने हैं नहीं बने हैं, उसको लोगों ने गलत समझा है समझा है, आई थिंक शी हैज शोन हर ट्रू पर्सनालिटी, एंड आई थिंक दैट इज लाइक बाय पीपल और नॉट लाइक बाय पीपल, बट इफ शी हैज वन द शो, आई थिंक शी इज वन हर ऑन हर मेरिट्स, सो आई थिंक वो उसको ही देना चाहिए, या नाउ दैट शी हैज वन, या नाउ दैट शी हैज वन, वी कांट टेक दैट अवे, राइट। आल्सो निशांत, बिफोर रैपिंग अप, आपकी प्रतीक की और शमिता की दोस्ती, यू नो इट वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट यू गाइस स्टेड टुगेदर, जैसे हर सीजन में कोई ना कोई एक दोस्ती निखर कर आती है। बिग बॉस 15 में हमें उतनी दोस्तियां देखने को नहीं मिली, एक करण एंड उमर की थी और एक आप लोगों की, जो हर टेस्ट को जिसने कहीं ना कहीं झेला। नाउ दैट यू आर आउट, जैसे आपके स्टाइल में आप बोलते हो किसी की शक्ल नहीं देखूंगा, बट डू यू प्लान नहीं देखने बब्बा, नो सो सी टुमारो इज
See, I love Shamita and I love Prateek, that is there. But मुझे अभी उनकी शक्लें देख के थोड़ा बोर हो गया है, उनको मेरी शक्ल देख के भी बोर हो गया है. कल शमिता का बर्थडे, of course I'm invited, so I'm going to go there. But उसके बाद थोड़ा मैं 10, 20, 15, एक महीने का ब्रेक लूंगा. मुझे दोनों की भी शक्लें नहीं देखनी है and I think उनको भी मेरी शक्ल देखनी नहीं है. बहुत हो गया, 6 महीना is too much, बाबा. You would also not want to see people's face. It's 6 months और मुझे मेरे लोगों के साथ थोड़ा चिल करना है. But yes, हम तीनों बहुत 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 ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं. अभी भी हमारा आई थिंक अभी मैसेजेस पे हमारा चल ही रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं. वो प्रतीक भी ओवर एक्टिंग कर ही रहा है मेरे साथ, शमिता भी ओवर एक्टिंग कर ही रही है. सो वो सब चल रहा है. बट आई लव देम. हमारी दोस्ती बहुत बहुत ज्यादा जेन्युइन और स्ट्रांग है. हम तीनों बहुत अलग है, इसकी वजह से हम हमारी बनती भी, हम झगड़ते भी, मरते भी है. बट दैट्स वॉट मेक्स दिस फ्रेंडशिप स्पेशल. क्योंकि हम वो वैसे वाले दोस्त नहीं है कि सिर्फ आओ पियो, चलो खाओ एंड निकल जाओ. हम तीनों दिमाग वाले लोग हैं और तीनों के ओपिनियंस हैं. सो आई थिंक इसके वजह से हमारी फ्रेंडशिप काफी अच्छी टिकेगी बाहर. एंड शमिता ने तो मुझे, शमिता प्रतीक तो मतलब ही तो आई थिंक ही लव्स मी. वो मेरे बिना रहेगा नहीं. उसने कल भी इतना खुद बनाया फर्स्ट डिनर, फिर भी मुझे पकाओ मैसेज कर रहा था जो मैंने उसको इग्नोर कर दिया. और रही बात शमिता की, बहुत एटीट्यूड उसने भी दिया दैट आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू व्हाटएवर. बट वो भी उसने, उसका भी मेरे को व्हाट्सएप आया है. So I think we are like that. And she said that ki, ghar ke bahar Nishant, I'm going to irritate you a lot because she loves me. I love her. And hamari, matlab meri aur Shamita ki achhi bonding rahi hai. I think for us, humne gande jhagde bhi kiye hai OTT se, as in hamari kabhi bani nahi hai. To now, like matlab main actually ghar aane ke baad, I was like, Shamita, idhar. So wo thoda FOMO ho raha hai mujhe. But she knows that I love her. Prateek knows that I love him. And I think we will be great friends. Yeah. Last question, Nishant. Salman Khan बहुत कम contestants को हर बार praise करते हैं and you have been one of them. You know, finale पर भी उन्होंने आपको praise किया. हर हफ्ते weekend का वार पे वो कहीं ना कहीं कुछ topic ढूंढ के आपसे जरूर बात करते थे और या आपका take लेते थे. You know, what do you want to say overall your journey and Salman Khan's presence? See, with Salman sir, मैं पहले, I think we discussed this before I went inside, कि मेरी काफी फटती है सलमान सर से और पता नहीं क्या होने वाला and all of that. Beginning में मेरी बहुत फटती थी सलमान सर से. Weekend पे तो जैसे सलमान सर बजाते थे सबकी, तो मेरी तो फटी पड़ी रहती थी हमेशा. बट आई रियलाइज, और मुझे काफी लोगों ने बोला, इनफैक्ट मैंने आई स्पेंड टाइम विद सलमान सर आफ्टर द शो ऑल्सो, लाइक वी वर लाइक चिलिंग आफ्टर द शो. After party, and I think he genuinely is fond of me. I felt उनका बहुत अच्छा warmth है मेरी तरफ. I think he genuinely likes my madness, I feel. तो मतलब generally हम लोग ऐसे बैठ के भी हम लोग बात बात और ये सब चल रहे थे, या सलमान सर भी मजाक किया है बहुत, तो वो कर रहे थे तो मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं. So I think he likes me, like he is fond of me. So मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है. उन्होंने ऑफ लाइक मेरे पेरेंट्स भी जब स्टेज पे आए थे, ही वाज जेन्युइन एंड स्वीट टू देम. ही वाज टॉकिंग टू माय फादर, माय मदर, एंड आफ्टर दैट आल्सो पार्टी आल्सो ही वाज, ही स्पोक टू मी वेरी वेल एंड ही वाज जस्ट डूइंग मजाक विद मी. सो आई थिंक ही इज फॉन्ड ऑफ मी. और पूरे शो पे भी उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं है. हमेशा ही हैज ऑलवेज, व्हेनेवर आई हैव डन थिंग्स, ही हैज जस्ट लाफ्ड ऑन इट. सो आई थिंक ही लाइक्स मी. सो आई एम हैप्पी विद इट. Yeah, thank you so much, Nishant. And hopefully, जैसे आपकी journey एकदम बहुत ही dramatic और बहुत lively रही है, वैसे आगे की भी ज़िंदगी वैसे ही रहे. And best wishes to you. And hopefully, आपका जो सपना है judging का, वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाए और हम फिर उसके लिए बात करें. मुझे तो देखो, हाँ, मुझे तो अभी judge बनना ही बनना है. मतलब अभी let's see, fingers crossed. अगर है नसीब में तो होगा. मैं देखो, मैं चीजों के पीछे भागता नहीं. अगर मेरे नसीब में है तो वो आएगी मेरे लिए. सो यस, आई वांट टू, मैं इसलिए पुट आउट कर रहा हूँ ताकि आई वांट टू बी अ जज, बिकॉज दैट वाज ऑलवेज लाइक बिग बॉस को एज अ प्लेटफॉर्म लोग मुझे जानते हैं, हर घर में मुझे प्यार करते हैं और सब मम्मी पप्पाज एंड ऑल दे लाइक मी. सो आई थिंक मतलब इतना तो कमाया है मैंने. सो आई वांट टू बी अ जज एंड आई होप ये हो जाए. और अभी जितने आगे शो आ रहे हैं उसमें आई होप मुझे जज शो लोग ले जाएं, तो मैं मेरा तीन पांच जाके देखते हैं. पता नहीं मुझे, बट अगर उन्होंने लिया मुझे एज अ जज, इट विल बी ग्रेट. सो लेट्स सी, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस. या वी विल पुट इट आउट इन द यूनिवर्स, देखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, हो जाए क्या पता. 100%. या थैंक यू सो मच निशांत, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट. सेम यू, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, बाय बाय.